ये है जी चाइना की ट्रेन। ये सारी जो कोचेस हैं जो चाइना में बनी है, मुझे यहीं से ये ज़्यादा चौड़ी लग रही है, थोड़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी और फ्रेशली पेंटेड है, तो इसका ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म 7 और 8 जो दूसरे साइड पे है, यहाँ खड़ी है रवानी के लिए, तैयार है जाने के लिए। ये इसके बड़ी ज़बरदस्त चाइना ने बनाई है एंट्रेंस। लगेज कंपार्टमेंट, फिलहाल तो ये खाली जा रही है। ये जो लोग हैं ये मेरा ख्याल से रेलवे के ही होंगे। सर ये लगेज जा रहा है यानी कि लोग भी जा रहे हैं? नहीं नहीं अभी तक रेलवे के ही लोग होंगे जी। सर सर रेलवे के ही लोग होंगे तो फिर अभी ट्रायल हो रही है। हाँ ट्रायल हो रही है, मैं अखबार से आई हूँ भाई, तो उससे बात तो कर ले। नहीं, वो ऑफिसर बात करेंगे ना। अच्छा कोमल जी है आगे खड़ा है, आगे ऑफिसर खड़ा है, और वो खातून जो है वो आगे आगे। लोग कैमरा देख के ना पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि पता नहीं मैं क्या एक्सपोजे कर रही हूँ या क्या। मैं तो कुछ नहीं, आप लोगों के लिए स्टोरी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत हमारे दोस्त मुल्क चीन ने हमारे लिए ये गाड़ियाँ बनाई हैं। और देख के ना जब ऐसी नई गाड़ी आती है तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कोई इसको ओन करे यार, इसको साफ़ सुथरा रखे, इसमें कोई पान ना थूके, यूं भी ना थूके। ये देखो कितनी प्यारी है। और नई चमकती ट्रेन के साथ चमकते हुए यूनिफॉर्म में हमारी रेलवे पुलिस अपनी फोटो शूट करा रही है। लवली ब्यूटीफुल स्मार्ट जवान। अभी खुल गया? लोग इससे पूछ रहे खुल गया, ट्रेन खुल गया। देखते हैं भाई कहाँ से खुल गया दरवाजे इसके। चेकिंग हो रही है, छोटी छोटी चीजें देखी जा रही है, हर चीज परफेक्ट है, गो है। चलें जी, मेरी क्लास टाइप के लोगों के लिए भी हिस्सा है, इकोनॉमी क्लास बेस्टी है, इकोनॉमी से ट्रैवल करो। अस्सलाम वालेकुम, फहीम सिद्दीकी मिल गए मुझे सुबह सवेरे नई ट्रेन के आगे। फोकस विद फहीम, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, लाइक करें। और हम दोनों फ़िलहाल तो एक ही काम पे आए हैं, हम दोनों एक ही अखबार में हैं, तो हम दोनों वो अखबार का काम करेंगे, फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ये रेलवे के लाइक लोग जो एक एक चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ फिक्स है, सब कुछ सही है ट्रेन के लिए। ये देखे अंदर से मेरी रिफ्लेक्शन तो दिख रही होगी। जिसकी चेकिंग वगैरह सुबह से लगे हुए हैं ना, वो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अंदर से मुझे जो सीटें ऐसी लग रही हैं जैसे जहाज की सीटें हो। अच्छा अभी ना ट्रेन बंद है ना, क्योंकि ये टेस्ट रन है इसका, तो ये जो टेस्ट रन है इसके अंदर कोई पैसेंजर्स वगैरह तो जा नहीं रहे। और ये जाएगी पंजाब। देखिए हर चीज़ चेक की जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें देखी जा रही हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे के लोग कॉन्स्टेंटली दे आर बिजी। और हाई फाई किस्म के लोग जो है उनके लिए एसी के डब्बे हैं।
वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी तो एसी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, सर्दियाँ आ रही हैं अभी तो इतनी एसी की ज़रूरत नहीं होगी। हीटर चलेगा, हीटर चलेगा। अच्छा जी, मुझे भाई ने बताया हमारे रेलवे पुलिस के जवान ने कि एसी नहीं चलेगा तो हीटर चलेगा। ये तो मुझे भी ख्याल आ जाना चाहिए था। सही कह रहे, सफाई हो रही है यहाँ पे। और ये है पावर वैन जिसमें सारा इंजन वगैरह, सारी मशीनरी, एवरीथिंग ट्रेन की इसमें है। ओके जी, ये देखिए क्या है, ये जनरेटर वैन। जनरेटर वैन में हम अंदर हैं। ये जनरेटर वैन है। वैसे मुझे वैसे पता नहीं, जहाज जहाज का ख्याल आ रहा है तो मुझे तो लग रहा है जैसे किसी जहाज का वो किचन हो। अच्छा जी, और ये क्या है? ये पैनल रूम है। पैनल रूम है, पैनल रूम। यानी कि यहाँ पे क्या वो होंगे, बटन्स वगैरह? ओ यहाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पैनल्स हैं। और ये देखें जी, ये सब लोग तैयार है, एक्साइटेड है। सर कैसा लग रहा है? बिल्कुल नया डब्बा, नई ट्रेन, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। ये देखिए जी, ये ट्रेन अंदर से मैं पावर वैन है, ये पावर वैन में घुस गए हैं हम लोग। जनरेटर रूम, सॉरी, ये जनरेटर रूम है। चले मैं वापस, बहुत शोर था जनरेटर रूम में। ये देखिए कितने अच्छे स्टोव्स हैं यहाँ पे। ये डाइनिंग कार है ना, ये डाइनिंग कार है, जबरदस्त। अभी बिल्कुल नहीं है तो खाली खाली है। थैंक यू। और यहाँ बस ये चलने वाली है, निकलने वाली है। फाइनल फाइनल चेकिंग हो रही है इसकी। सर ट्रेन के ड्राइवर साहब से बात करनी है, उनको बुला लेना यहाँ, बस यहाँ तक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे ड्राइवर भाई हैं। और सर आप असिस्टेंट ड्राइवर हैं भाई, ये जबरदस्त ट्रेन को लेके जाएंगे लाहौर। कहाँ तक? रोड़ी तक जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये टेस्ट रन है। तो सर टेस्ट रन में क्या क्या देखा सर? पहले तो नाम तो बता दें। सफ़ीर अहमद साहब जो है वो कैप्टन है, इनके ड्राइवर हैं, और ये जो है असिस्टेंट ड्राइवर है ट्रेन के। आपका नाम राणा अहमद? अच्छा, रजा अहमद, आई एम सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। तो सर ये टेस्ट रन में क्या देखा जाता है? स्पीड देखेंगे, ब्रेकें देखेंगे, ब्रेकें वगैरह भी देखेंगे। अच्छा, क्या ब्रेक पे, क्या ब्रेक लगे तो क्या इफेक्ट आएगा? स्पीड कैसी जा रही है, स्मूथ रनिंग है कि नहीं? अच्छा, पटरियों का भी टेस्ट हो जाएगा कि ट्रेनें ज़्यादा अच्छी हैं पटरियों से, तो कोई ट्रेन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी पटरियों पे चलते हुए? अच्छा सर, तो आपको एक चाइनीज लोगों ने कुछ बताया, कोई हिदायत दी है कि? अच्छा, मैं ये नहीं बोला कि उन्होंने हौले हौले चलाओ या? अच्छा, और ये मैं तो समझी थी बुलेट ट्रेन वगैरह होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी जापानी चाइनीज हो। हमारी पटरियाँ बर्दाश्त कर लेंगी सर? चाइनीज पटरियाँ भी बना देंगे सर? चले जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ट्रेनें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और फिर शायद मुसाफिर भी अच्छे हो जाए सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो मुसाफिर अच्छे होने चाहिए जो नखरे ना करें और अप्रिशिएट करें कि उनके मुल्क ने कितना उनके लिए अच्छे इंतजाम किया है, और सस्ता ट्रैवल है ट्रेन का और कम्फर्टेबल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये
जो छोटा, अच्छा ये हल्का नॉइज़ है। आमतौर पे जब वो जो होती है ट्रेन का, हमारे इंजन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ये तो साइलेंट है काफ़ी, यू नो। और ये देखें जी, इस पर क्या लिखा है, फ्यूल फिल्टर, ओप्स, फ्यूल फिल्टर ड्रेन वाल्व इंस्ट्रक्शन ऑन इनसाइड ऑफ डोर। अब मैं इनसाइड ऑफ डोर में तो इन्हीं लोगों को पता होगा क्या इंस्ट्रक्शन हैं। रिजर्व भाई मुझे पहले से दिखा दिया कि अब और ना घुसो अंदर। तो सफाई है जो की जा रही है कॉन्स्टेंटली। अस्सलाम वालेकुम, आप पैसेंजर हैं? नहीं नहीं, आप रेलवे से? हाँ, रेल फैंस हैं जी। रेल फैंस, रेल फ्रेंड्स, रेल ट्रेन लवर्स हैं भाई मेरी तरह। ये भी ट्रेन लवर्स हैं और देखने आए हैं आप नई ट्रेन। माशाल्लाह, कैसी लग रही है आपको? माशाल्लाह अच्छी है, और इंशाल्लाह आवाम जो है ना सच्चाई रखे। मुझे भी यही, मैं इनको यही कह रही थी कि समझ के इस्तेमाल करें, अपना ओन करें, हमारी चीज़ है, इसका ख्याल करना चाहिए। फूके नहीं, फूके नहीं, पान ना पीक ना फूके, ये भी तो है ना। मैंने अपना नाम तो बता दें, डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा जो है वो भी यही कह रही है जो कब से मैं भी कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा कि ट्रेन का ख्याल रखना है भाई। बिल्कुल, ये रवानी को तैयार है, जाने वाली है। पावर वैन का मैं आपको विजिट करा चुकी हूँ। ये देखिए जी, आप लोग देख रहे हैं तैयारियाँ उरूज पे हैं और टेस्ट रन है। चाहे यहाँ ये 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 स्पीड लिखी है, मगर टेस्ट रन पे जाहिर है ये स्लो जाएंगे। हर चीज़ चेक करते हुए जाएंगे तो इतनी फास्ट तो नहीं जाएगी। अच्छा जी, अभी टाइम है, मुझे कहा गया है कि हम इस पर चढ़ सकते हैं फ़िलहाल, तो मैं इस पे चढ़ने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त ट्रेन, ब्यूटीफुल दरवाजे, एक्सीलेंट लॉक्स एंड हैंडल्स। खुल गई, वो साइड से खोल दी सर। अंदर से रास्ता है जी। मैं यहाँ तो ये देखें स्लीपर, अब इतनी स्टैंडर्ड एसी है ना, तो इसके ये स्लीप के लिए ये बर्थ वगैरह आप लेट भी सकते हैं। और इस वक्त मुझे इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे नई ट्रेन की, नई गाड़ी की, बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन स्मेल। सर ये इतनी साफ़ सुथरी स्मेल कितने दिन में कम हो जाएगी? जब हमारे मुसाफिर बैठना शुरू हो जाए। हमारे मुसाफिर जो है बिल्कुल कदर नहीं करते सर नई चीज़ों की। ये देख लें जी, बाहर का मैं आपको यहीं से व्यू दिखा दूं। ये देखे हर जगह ये इतनी प्यारी टेबल जो है, आई थिंक ये फोल्ड हो जाती है सर जी? ये फोल्डेबल नहीं है। अच्छा फोल्डेबल नहीं है जी, जी। अच्छा अच्छा, यहाँ ये शायद ये फोल्ड हो जाए। ये फोल्ड है जी, ये कुर्सी जो है ऐसे ऊपर आ जाएगी। हाँ, ये सीट जो है ये एक एक्स्ट्रा, आप इसको खोल दें तो आप लेट सकते हैं, है ना, इसके ऊपर आप फिर लेट सकते हैं। और ये भी इसको भी मैंने अगर खोला तो ये एक और इट विल जस्ट कम आउट, ओपन अप, है ना, ऐसे ही है, ऐसा ही है। अच्छा ये एसी का कंपार्टमेंट है, एसी स्टैंडर्ड, जो शायद मैं इस पे कभी ना बैठूँ। मैं तो भाई इकोनॉमी की बंदी हूँ और इकोनॉमी अपनी अपनी जगह जानती हूँ। मैं अभी आ गई हूँ। अरे सर आप लोग भी हैं? सर कैसा लग रहा है नई ट्रेन का ये? अच्छा आपने बताया नहीं कि यहाँ और लोग भी बैठे हुए हैं। सर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जैसे ये नई गाड़ी होती है। तो बिल्कुल नई गाड़ी की ना, जैसे नई गाड़ी की, जहाज की। और एसी में वैसे भी अच्छी खुशबू आती है। तो सर लोगों को क्या बोलेंगे आप? रेलवे पुलिस से जी? तो सर आपका नाम पूछ सकती हूँ? असद जमालुद्दीन। असद जमालुद्दीन साहब, ये बताएं कि यहाँ जो हमारी पब्लिक है ये क्यों नहीं कदर करती ट्रेन का, यानी कि नई ट्रेन आई है, अब ये कितने दिनों में इसको मैला कर देंगे? अच्छा ओए, ये तो मैं फिर काट दूंगी। सर चलो ये नहीं हम करेंगे, सॉरी सर। हेलो डॉगी, हेलो। कुछ लोग इंटरव्यू नहीं देते, आप देंगे? हाँ हाँ, आपको। ओ माय गॉड, ये भी इंटरव्यू नहीं देता यार, ये क्या चक्कर है? अच्छा चलो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, जाओ जाओ वापस सो जाओ। तो इस वक्त मैं जो 46 नई जो आई हैं कोचेस चाइना से, मैं उनमें मौजूद हूँ। और ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त A1 किस्म की एसी की ये गाड़ी है, एसी स्टैंडर्ड। और मैं तो बचपन में कभी एसी में ट्रैवल किया होगा, ट्रेन में, वैसे ज़्यादा ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया है, मगर बहुत अच्छी लगती है मुझे ट्रेन।
और बहुत प्यारी ट्रेन है। और ये देखें जी, ब्लू पर्पलिश ब्लू कलर की इसकी सीट्स वगैरह है। एंड ये वाली जो सीट्स हैं इनको आप खोल भी सकते हैं, वो दे विल कम डाउन और उसके अंदर लेटा जा सकता है। अगर आपको शेल्फ्स वगैरह पे कुछ रखना है तो दैट्स आल्सो देयर, यू हैव शेल्फ्स, यू हैव अ टेबल, टेबल भी है आपके पास। आपको दिखेगा यहाँ पे ये प्लग पॉइंट्स वगैरह, ये आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है। और अच्छा हाँ, अगर आजकल सर्दी है, अगर एसी ना चाहिए या आपको लग रहा हो कि हवा बहुत बंद बंद है, तो पंखे भी हैं, तो आप पंखे भी चला सकते हैं। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, काश ये चल रही होती और मैं इसमें एक पैसेंजर होती। जो पैसेंजर्स होंगे आप सोचे वो कितने मज़े में होंगे, क्यों सर? बिल्कुल ना, ये देखें जी, चले अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। ओके, इट ओपन्स दिस वे, सो आई एम ऑल कंफ्यूज्ड राइट नाउ। ओके, द डोर्स आर ओपन एंड ये दूसरी वाली गाड़ी है। और अरे वाह, अच्छा मेरे पीछे से ना, ये आफ्टर ऑल कैंट स्टेशन है तो आपको ट्रेन चल रही है पीछे से, मगर शायद आप लोगों को नजर नहीं आएगी, वो धूप पीछे से आ रही है रिफ्लेक्शन ना। तो ओके, सो ये भी कुछ हमारे चाइनीज भाइयों की, ये आई सी, ये देखें जी, इससे साफ पता चल रहा है हमारे प्यारे दोस्तों ने, चाइना ने हमें ये गाड़ियाँ बना के दी हैं। और कितनी अच्छी हैं और कितनी प्यारी हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इसको साफ सुथरा रखिएगा, ये ट्रेनें बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, इनको ऐसे ही रहने दीजिएगा प्लीज़। इनको कहीं से मैला ना होने दें, इनके अंदर थूके नहीं, इनकी सीटों के ऊपर खाना ना गिराएं, अचार चटनी क्या कह सकते हैं, सालन ना गिराएं। बहुत प्यारी है और इनको इतना ही अच्छा रखें सर। अच्छा जी, ये पार्लर कार के अंदर अभी हम जा रहे हैं। अच्छा, पार्लर कार क्या होती है ये अभी हम देखते हैं। है जस्ट लाइक एरोप्लेन, ये है जी पार्लर कार। ओ माय गॉड, मुझे कहा गया जस्ट लाइक एरोप्लेन। ये क्या चीज है सर? वैक्यूम क्लीनर है, कपलर है, जिससे बिजली जो है सप्लाई होती है। अच्छा, ये बिजली के कपलर है भाई, इनसे बिजली सप्लाई होती है, मैं समझी वैक्यूम क्लीनर है। अच्छा, ये गुलाबी गुलाबी क्यों है भाई? ये सीटें हैं इनकी, पीछे एलईडी इनकी लगी हुई है, देख रही होंगी। अरे जैसे बिजनेस क्लास होती है ट्रेन की, जहाज की, सॉरी, ये बिल्कुल, सॉरी, ये जहाज की तरह बिल्कुल इनके ऊपर स्क्रीनें लगी हुई हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी है। पीछे पीछे बेहतरीन सिस्टम, ये तो बड़ी अच्छी है। प्लग पॉइंट्स है हर सीट के लिए, एक बिल्कुल वीआईपी इन लोगों ने इंतजाम किया हुआ है ऊपर। आप, ये तो वाकई एरोप्लेन बन गया, बिल्कुल बेहतरीन। एरोप्लेन में पंखे नहीं मिलेंगे जी, मगर ये देखे इधर एडिड प्लस, देयर इज अ पंखा एवरीवेयर और साफ सुथरे पंखे हैं। अल्लाह ना करे कि कभी इनमें मकड़ी के जाले वगैरह लटकते हुए हमें नजर आए। माशाल्लाह आराम से, ये एलईडी में आगे टेबल है, ये देखिए जी, जो ये वाली जो है जिसके आगे सीट नहीं है तो इनके आगे एलईडी है। और ये टेबल इनके आगे, ये फोल्डेबल है सर, फोल्ड कर, फोल्ड करके दिखाए सर। सर ये देखे जी, सर बता रहे हमें, हाँ ये देखे जी, ये फोल्ड हो गई और इसको अगर आपने उठाना है तो आप यहाँ पे अपने चाय की प्याली, अपना अखबार, मैगजीन, जूस कुछ भी रख सकते हैं। और इमरजेंसी, इमरजेंसी भाई, आग वाग नहीं लगाना भाई, यहाँ सिगरेट नहीं पीना। अच्छा, तो ये बहुत प्यारी ट्रेन है। ओहो हो, इसका टिकट भी कोई इसी लिहाज से होगा जितनी प्यारी है ये। बिल्कुल, ये आगे ये सामान रखने की जगह है, ये अरे एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह, और किचन, व्हाट अ क्यूट किचन, लुक एट इट, इट्स लॉक्ड बट यू कैन सी इट प्रिटी मच, यू कैन सी एवरीथिंग, सो दिस इज द किचन, थैंक यू सर। और ये कुछ कंप्यूटर नजर आ रहा है, ये है सिर्फ बिजली वालों का सिस्टम है। अच्छा, क्योंकि वैसे भी ये भी एयर कंडीशन होगी, बिजली का कुछ भी हो सकता है, लाइट वाइट कहीं कहीं चले गई तो यहाँ ये इनका पैनल है। अच्छा, तो ये एयर कंडीशन तो होगी ना? जी, फुल एयर कंडीशन। अच्छा, फुल एयर कंडीशन है, बहुत प्यारी है। वहाँ अगर हमने जो कलर पर्पलिश देखा था, प्रिंट वही है, बट दिस हेयर इट इज अ डिफरेंट कलर। इसकी मजे की बात ये, अब ये देखें जब बैठे बंदा, बर्गंडी कलर, ये देखें ना जी सर, ये बैठ गया जी, ये पाँव, अरे ये देखे जी, फिर से बेहतरीन, ये देखे सर, सर बैठे हैं और ये बैठे और इन्होंने ये देखे पाँव, तो लग रहा है जैसे, तो लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पेडल लग रहे हैं, सुकून से, सुकून से। आप सीटें हैं ये सर, अपना नाम तो आपने नहीं बताया। मेरा नाम अब्दुल करीम, अब्दुल करीम साहब, आप क्या करते हैं सर रेलवे? पायलट मास्टर। पायलट मास्टर साहब हमें ये इस वक्त यहाँ पे टूर करा रहे हैं पार्लर कार का। पहले मैं समझी सर कि ये ब्यूटी पार्लर की गाड़ी वाड़ी है। नहीं नहीं, वैसे लगा ले सर, ये पैसे इतना हाई फाई है कि इसमें ब्यूटी पार्लर भी लग जाए सर।
नहीं सर नहीं हो सकता। अच्छा जी, नीचे आ जाए। और ट्रेन चलने वाली तो नहीं है? तभी तो बुला रही है। अरे भागो यार भागो, ट्रेन चलने वाली है। ओके ओके, हम भाई निकल रहे हैं। ओके ओप्स, एंड वी आर एस्केपिंग। एक्चुअली टिकट दिया नहीं है और बड़े मजे से अंदर घुस गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। ओके यहाँ से निकल ही जाऊँ। थैंक यू सो मच, और हम बाहर आ गए हैं। और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अंदर का टूर कराया। थैंक यू। जिसका इंतजार था, जो आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, 77 चुलू कबाब, और ये मेरे साथ करीब 8 डेज। बाय बाय।